कैसे हैं आप? गुड। चलिए बेटा, आज सबसे पहले हम रंगों के नाम करेंगे। ओके, मैम ने आपको कराए हैं ना रंगों के नाम। तो नंबर वन, फर्स्ट कलर कौन सा है? यस, लाल, लाल यानी कि रेड कलर। और आपने देखा है ना, गार्डन में रेड कलर के फ्लावर होते हैं। एप्पल भी रेड कलर का होता है, चेरी भी रेड कलर की होती है ना। नंबर टू, काला, काला और काला यानी कि ब्लैक कलर। हमारे बाल है ना ब्लैक कलर के। पिक्चर नंबर थ्री, हरा यानी कि ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर की क्या होती है? लीव्स होती हैं, ग्रास होती है ना। पिक्चर नंबर फोर, पीला, पीला, पीला येलो कलर। और येलो क्या है? सन है, और सनफ्लावर भी होता है येलो कलर का। बेटा नंबर फिफ्थ, नीला, नीला और नीला यानी कि ब्लू कलर। मैम ने आपको नीला गीदड़ की कहानी सुनाई है ना। नंबर सिक्स, गुलाबी, गुलाबी यानी कि पिंक कलर। और फ्लावर्स देखिए आपने पिंक कलर के। नंबर सेवन, आसमानी, आसमानी यानी आसमान का कलर यानी कि स्काई ब्लू कलर। ओके, तो चलिए बेटा अब हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टुडेज डेट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड टुडेज डेट इज 9th of November 2020 मीन्स 09.11.11.2020 एंड जस्ट अपोजिट साइड इज राइट हैंड साइड एंड हियर वी विल मेंशन लिखित कार्य। इन सेकेंड लाइन वी विल मेंशन टुडेज हेडिंग एंड टुडेज हेडिंग इज री की मात्रा। बेटा री मतलब री से ऋषि, री की मात्रा। और बेटा आज मैम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से लेटर में री की मात्रा लगा के शब्द बनाते हैं। नंबर वन, अब ये देखिए बेटा ये कौन सा व्यंजन है? त व्यंजन। जब हम त व्यंजन में री की मात्रा लगाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? त्री। क्या बोलेंगे बेटा? त्री। अब त्री के साथ हम क्या लगा रहे हैं? ऋण। तो ये क्या शब्द बनेगा? त्रिण, त्रिण। और त्रिण का मतलब घास का तिनका, त्रिण, त्रिण। नंबर टू, अब ये देखिए बेटा व, जैसे ही व में री की मात्रा लगी इसे बोलेंगे व्री। क्या बोलेंगे? व्री। और इसके साथ क्या लगाएंगे? श, श से क्षत्रिय। तो ये क्या शब्द बनेगा? वृक्ष, वृक्ष। और वृक्ष तो सब लोग जानते हैं, किसे बोलते हैं वृक्ष? वृक्ष यानी कि पेड़, पेड़ होते हैं ना उनको बोलते हैं वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। नंबर थ्री, अब ये कौन सा व्यंजन है? पता है आपको कौन सा व्यंजन है ये? यस, न व्यंजन। अब न में री की मात्रा लगते ही क्या बन गया ये? क्या बोलेंगे इसको? नृ। क्या बोलेंगे बेटा? नृ। और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? प। तो ये क्या शब्द बनेगा? नृप, नृप। क्या बोलेंगे इसको? नृप, नृप। और नृप मतलब राजा। राजा रानी की कहानियां सुनी है ना आपने। नंबर फोर, ग, अब ये देखिए ग व्यंजन, ग। जैसे ही हमने ग में री की मात्रा लगाई हम इसे बोलेंगे ग्री। क्या बोलेंगे? ग्री। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे? ह। तो क्या बनेगा ये? गृह, गृह। और गृह मतलब घर। हम बोलते हैं ना कि गृह कार्य करके लाना है आपको, यानी घर पे कार्य करके लाना है, घर का कार्य। तो गृह, गृह। बेटा नंबर फिफ्थ, म, अब ये है म व्यंजन। म में री की मात्रा लगते ही इसे हम बोलेंगे मृ। और इसके साथ लिखेंगे ग। तो ये बन गया मृग, मृग। और मृग मतलब हिरन। मृग किसे बोलते हैं? हिरन को बोलते हैं, मृग, मृग। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन फ्रॉम हियर। वी विल ड्रॉ स्लीपिंग लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन वी विल मेंशन हेडिंग। बेटा हियर वी विल मेंशन हेडिंग श्रुति लेख एंड आफ्टर हेडिंग वी विल मेंशन नंबर्स 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और हम 5 नंबर्स क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि हम 5 वर्ड्स श्रुति लेख ले रहे हैं।
तो चलिए बेटा अब हम अपना श्रुति लेख स्टार्ट करते हैं और आज भी हम आ इ ई ओ और उ के मात्रा के शब्दों का ही श्रुति लेख लेंगे। नंबर वन सभा, सभा। बेटा अगेन आई रिपीट सभा, सभा। हियर यू विल राइट नंबर वन श्रुति लेख वर्ड। बेटा नंबर टू सितार, सितार। बेटा ध्यान से सुनिए मैम कैसे बोल रहे हैं, सितार, सितार। नंबर टू। बेटा नंबर थ्री जीव, जीव। अगेन आई रिपीट जीव, जीव। बेटा नंबर थ्री श्रुति लेख वर्ड आपको यहां लिखना है। बेटा नंबर फोर सुर, सुर। बेटा ध्यान से सुनिए सुर, सुर। नंबर फोर। बेटा लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुति लेख नंबर फाइव झूला, झूला। बेटा अगेन आई रिपीट झूला, झूला। लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुति लेख हियर यू विल राइट। बेटा वर्क बहुत नीटली करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे एंड सेकंड थिंग स्पीक एंड राइट, जो भी आप लिख रहे हैं उसे बोल बोल कर लिखेंगे और श्रुति लेख वर्ड्स पहले बहुत ध्यान से सुनने हैं और फिर करने हैं। ओके बाय बाय।